हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने कौन कौन सी भर्ती कैंसिल कर दी है। आज के न्यूज़पेपर में आपने बहुत सारी भर्तियां देखी होंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि उसमें आपकी भर्ती है या नहीं है, ठीक है। और फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो अभी तक जिन्होंने अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिला है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत बार समय की दिक्कत होती है। तो दोस्तों, सुबह तक सिर्फ न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर नोटिस आ चुका है इसको लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे आप सभी दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी भर्ती कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। और अभी फार्म कितने दिन बाद निकलेंगे ये अभी कन्फर्म नहीं है, आगे एक महीना लगे या डेढ़ महीना लगे या दो महीना लगे या निकले या ना निकले, ऐसा भी कुछ कन्फर्म उसमें नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आपने फार्म भरा है एडवर्टाइजमेंट 2015, 2016, 2017, अब उसके अंदर कोई भी कैटेगरी है जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, वे सारी भर्ती कैंसिल हो चुकी है। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसका तो आपको रिमेम्बर होगा कि आपने कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन वे बहुत सारी भर्तियां होती है जिनका हमें एग्जाम नहीं दिया है, तो वे सारी भर्ती अब कैंसिल हो चुकी है। पिछले 2015, 2016, 2017, 15, 16, 17 तीनों में ही ग्रुप सी या डी की ही वैकेंसी आई थी और ज़्यादा हाई लेवल की वैकेंसी लगभग नहीं थी, ठीक है। तो ग्रुप सी और डी की सारी वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उसमें ग्रामसी भी आता है, ट्रेसर भी आता है, उसमें कैनल पटवारी भी आता है, उसमें लैब अटेंडेंट नहीं आता है, क्योंकि लैब अटेंडेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1/2018 थी। नए रूल लागू होने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट जारी की थी और उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि इंटरव्यू नहीं होगा। सिर्फ एक वजह है कैंसिल होने की, क्योंकि नए रूल बना दिए हैं HSC ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। अब यदि नए रूल लागू होते हैं तो पुरानी वैकेंसी को, पुरानी भर्तियों को कैंसिल करना पड़ता है, नए नोटिफिकेशन के साथ दोबारा अपलोड करना पड़ता है। यही वजह है कैंसिल करने की, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। और आगे इसमें क्या छूट मिलेगी, क्या कंसेशन मिलेगा, वैसे फीस की बता देता हूँ। फीस आपको दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी जिन्होंने पहले फार्म इन पोस्टों के लिए अप्लाई किए हुए हैं, यदि ये फार्म दोबारा आते हैं तो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ITI की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी रद्द हो चुकी है, क्योंकि वो 2017 में भरी गई थी और एडवर्टाइजमेंट भी उसकी 2017 की ही थी, ठीक है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है, और हर अपडेट पाना चाहते हैं आप हरियाणा की जॉब से रिलेटेड, तो यहाँ क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।